री सारे बच्चे आ जाओ, ब्रेक 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 खत्म, तम तम और डिट 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 चलो। आओ भाई आओ, लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, एंड स्वागत करते हैं हम वहीं जहां से हम शुरू हुए थे। सर कहां से शुरू हुए थे, कितनी बार पढ़ोगे सर यही सेम टू सेम चीज। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या करें, हर शब्द कुछ कहता है। वो एशियन पेंट्स की एड आती है ना, हर घर कुछ कहता है, तो मैंने कहा यहाँ हर शब्द कुछ कहता है। वो शब्द क्या कहता है तो वो मुझे आपको समझाना पड़ता है, उसमें सारा टाइम चला जाता है, फिर हम वापस आ जाते हैं, तो अपनी विक्रम और बेताल की कहानी तो चलती रहेगी। अब आंसर क्या कहते हैं, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है। एक बार रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो हम अपना ओपिनियन बनाएंगे, ओपिनियन के बाद कंक्लूजन भरेंगे और रिपोर्ट देके आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था। सर सवाल क्या था, हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं लेते, 100% गारंटी क्यों नहीं लेते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्क पड़ता है। तो इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर, इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर। सर सचिन तेंदुलकर का क्या मतलब है, सर फिर से बोल के दिखाओ, सर आइला का क्या मतलब है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, एक एक करके फटाफट मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, यानी एक अभी गाना आया था ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसमें फिर एक टॉप पॉइंट आता है कितनों की लव स्टोरियां। तो मैंने कहा यहां पे लव स्टोरियां नहीं है, यहां पे मजबूरियां हैं। यहां क्या है, यहां है मजबूरियां। पर किसकी मजबूरियां, मैंने कहा अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ मजबूरियां हैं। सबसे पहली मजबूरी क्या है सर, सबसे पहले है उनकी मजबूरी। क्या आपने वो बचपन में एड देखी है, ये मजबूर हैं आप नहीं, ठीक है, वैसे ही आपने बोलना है मैनेजमेंट बड़ा मजबूर है। सर क्यों, क्योंकि जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उनकी मतलब किसकी सर, मैनेजमेंट की, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ क्या दिक्कत है, इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। साथ साथ लिखो मेरे, इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ आई, हां सर, अभी इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेकेंड मजबूरी किसकी है, हमारी मजबूरी। सर हमारी मजबूरी क्या है, ध्यान से लिखो, हमारी हमारी यानी ऑडिटर की। कह रहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर तो ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर में भी दिक्कत है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अब ऑडिट प्रोसीजर में क्या दिक्कत है, हमारी मजबूरी क्या है सर, हमारी मजबूरी है हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, हमारी मजबूरी है हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। यानी सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना, ये बात आप पेयर में मत लिखना, डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट। जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो सामने वाले की मर्जी है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता, वो आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करता है या नहीं करता एज ऑडिट एविडेंस। सो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। जो मैनेजमेंट है वो ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी। अब सवाल उठता है क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी बाबा, क्यों नहीं देगी। जब ऑडिटर ऑडिट करने आया तो उसका हक है कि वो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे, तो मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही। सर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही क्योंकि उसके मन में चोर है, उसके मन में चोर है।
सर उसके मन में चोर है, यानी देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रॉड, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रॉड। एंड फ्रॉड क्या है? सोची समझी चाल। बोलो मेरे साथ, फ्रॉड क्या है? सर फ्रॉड है सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फटाफट बताओ, सोची समझी चाल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। जब आदमी चोरी करता है तो क्या वो चोरी ऐसे करेगा कि सामने वाले को पता चल जाए कि उसने चोरी करी है, या वो चोरी इस तरह से करेगा कि कल को कोई पता भी ना लगा पाए इसने चोरी करी है? सर वो बड़ा सोच समझ के चोरी करेगा, धूम टू वाली चोरी करेगा कि कोई उसको पकड़ ना पाए। तो वेन एवर मैनेजमेंट विल डू अ फ्रॉड, इट विल बी अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम विच आर डिजाइंड टू कंसील इट, विच आर डिजाइंड टू कंसील इट। कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए मैनेजमेंट एक सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम करेगी। कंसील मतलब छुपाना, लड़कियां यूज करती है ना कंसीलर मेकअप के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, वो भी कुछ रहता है कंसील करने के लिए। तो यही पॉइंट आपने यहां पे ध्यान रखना है, मैनेजमेंट क्या करेगा? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम यूज करेगा टू कंसील कि भाई हमने जो फ्रॉड किया वो दिखे ना। अब सारे बच्चों के मन में एक सवाल, सर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो पकड़ लो। बोलो क्या कहते हो? फैजान क्या कहते हो? पकड़ ले। लवण्या क्या कहती हो? पकड़ ले। अंकुर क्या कहते हो? पकड़ ले। श्रुति कहती है पकड़ लो। मैंने कहा कैसे पकड़ ले? सबने बोला पकड़ लो भाई, पकड़ लो मैनेजमेंट को, पकड़ लो। मैंने कहा कैसे पकड़ ले भाई, कैसे पकड़ ले, कैसे पकड़ ले, कैसे पकड़े? क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है? आंसर इज नो। मैंने कहा इनको पकड़ने के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन वाली पावर्स ही नहीं है, इनको पकड़ने के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस वाली पावर ही नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यही पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है, यही पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। तो जो स्पेशल पावर्स होती है, जो स्पेशल पावर्स होती हैं सर किसकी? सर्च की। ये स्पेशल पावर्स ऑडिटर के पास है ही नहीं, ये स्पेशल पावर्स ऑडिटर के पास है ही नहीं। तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं, यही पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। जल्दी से बताओ क्या ये तीनों बातें दिमाग में गई? ये वाला पॉइंट भी एक बार डिस्कस कर लो। अगर मैनेजमेंट ने मान लो कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया है, ठीक है, तो इस अकाउंटिंग एस्टीमेट को बनाने में जजमेंट लगी होगी। हाँ सर जजमेंट लगी होगी। अब उसकी जजमेंट मेरी जजमेंट अलग अलग हो सकती है, तो कौन कहे कौन सी जजमेंट 100% करेक्ट है, कौन कहे कौन सी जजमेंट 100% करेक्ट है? तो यू कैन नॉट से एनीथिंग इज 100% करेक्ट। तो यहां पे भी ये कभी भी 100% राइट नहीं हो सकते। तो पहली लिमिटेशन है मैनेजमेंट की लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। दूसरी है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर क्या है? ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, ऑडिटर मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रॉड। तो पकड़ लो, कैसे पकड़ ले, कैसे पकड़ ले, कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। फटाफट बताओ क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस और नो? क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट मुझे यहां पे बताओ इज दिस क्लियर और नॉट। नोट डाउन कर लो अगर चाहो तो, इसको फटाफट आप नोट डाउन भी कर सकते हो दोनों पॉइंट्स को, उनकी लिमिटेशन हमारी लिमिटेशन, फिर मैं आपको थर्ड लिमिटेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको थर्ड वाली लिमिटेशन बुक से करवाऊंगा, थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम द बुक। जल्दी से इसको नोट डाउन करो।
स्पेशल। जल्दी से बताइए, नोट इट डाउन। फटाफट बताओ क्या आपने लिख लिया। बिल्कुल डन सर। चलो, फर्स्ट वाली लाइन कहती है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसके मन में चोर है। यही सेम टू सेम बात है, आपके नोट्स में भी लिखी है। आओ मैं आपको दिखाता हूं क्या कहता है सर। कह रहे ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब था सर? ऑडिट रिस्क का मतलब था कि वो अपना गलत ओपिनियन दे दे, वो अपना ओपिनियन गलत दे दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और ऑडिटर कहता है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो जब वो बोलता है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है और वो बोल देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, तो अगर इसने गलत ओपिनियन दे दिया तो सर इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क कहते हैं। क्या ऑडिट रिस्क को जीरो किया जा सकता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। इसी तरह ये कहता है आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकते, आपको रीजनेबल अश्योरेंस से ही काम चलाना पड़ेगा। आपको रीजनेबल अश्योरेंस से ही काम चलाना पड़ेगा सर। क्यों? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। इनको आप क्या बोलते हो सर? इनको बोलते हैं मजबूरियां। इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मजबूरियां। सबसे पहले उनकी मजबूरी सर, उनकी मजबूरी यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये आपके पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, ठीक है? जल्दी से आओ सर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जब भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, क्या वो 100% करेक्ट होंगे? क्या उनमें कोई मिसस्टेटमेंट का स्कोप नहीं है? आंसर इज नो। आपने पढ़ा है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाने के लिए मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। तो जहां भी जजमेंट इन्वॉल्व है, जजमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली राइट। फैक्ट्स राइट होते हैं, जजमेंट कभी राइट नहीं होती। तो ये कहता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। सर एप्लीकेबल एफआरएफ यानी जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारा स्केड्यूल 3 कहता है, उन चीजों को कंप्लाई करने के लिए कई बार मैनेजमेंट को जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो एंटिटी है, लेट से उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, उस केस में, उस लिटिगेशन में मैनेजमेंट को लगता है कि इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सर कितनी? लेट से 500 करोड़ रुपीज। इनको 500 करोड़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये अब क्या है सर? ये मैनेजमेंट की जजमेंट है, ये मैनेजमेंट की जजमेंट है। एक्चुअल नोटिस लेट से 1000 करोड़ रुपीज का है। अब मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, हमारा जो लॉयर है वो कहता है 500 करोड़ में काम निपट जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या प्रोविजन बनाना एक जजमेंट है? आंसर इज यस। देर इज अनसर्टेनिटी कि इसकी अमाउंट क्या होगी। और क्या हमें AS 29 अलाउ करता है मैनेजमेंट को जजमेंट बनाने के लिए? हाँ। तो ये कहता है भले ही एक्चुअल नोटिस 1000 करोड़ का हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि एक्चुअल में हमको सिर्फ 500 करोड़ ही देने पड़ेंगे, एक्चुअल में हमको 500 करोड़ ही देने पड़ेंगे। इसी का लेके मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया। अब ऑडिटर क्या बोले? कल को ये 500 करोड़ का 700 करोड़ हुआ तो 200 करोड़ की तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। अगर 500 करोड़ का 1000 करोड़ हुआ तो 500 करोड़ की मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। तो क्या मैं बोलूं ये ग्रे एरिया है?
ये ऐसा एरिया जहां पे आपका मुंह बंद रहेगा और आप मैनेजमेंट को कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे जजमेंट बाय द मैनेजमेंट है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो जहां भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाएगा, प्रोविजंस बनाएगा, अनुमान लगाएगा, अनुमान कभी भी 100% राइट नहीं हो सकता, ऊपर नीचे होने के काफी चांसेस हैं। आई बात समझ? यस सर। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैनेजमेंट के कई सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, प्लस देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सर, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? जो एक्चुअल आउटकम है इट कैन वेरी फ्रॉम द प्रिडिक्शन। जो आपकी प्रिडिक्शन है उसके कंपैरिजन में एक्चुअल आउटकम कैन वेरी। तो क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज है, सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं, यहां पे देर आर चांसेस कि मैनेजमेंट गलत हो सकता है। तो पहली इनहेरेंट लिमिटेशन किसकी है? सर उनकी है, उनकी मजबूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए देर इज अ नीड फॉर द जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, प्लस देर इज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। सब्जेक्टिविटी किसमें? डिसीजंस में, असेसमेंट्स में, प्लस देर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। दिस इज अबाउट मैनेजमेंट। अब हमारी मजबूरी, यही सवाल आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 21 और 22 में पूछा था। तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, दिस इज अ गोल्डन चांस फ्रॉम यू। हो सकता है आपके एग्जाम में भी 3 नंबर का ये सवाल दिखे। तो सर ये क्या कहता है? कहता है देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर। ऑडिटर बेचारा मजबूर है हालातों के हिसाब से, लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से, टू ऑब्टेन एविडेंस। एग्जाम्पल देके बताओ क्या क्या सारी चीजें आएंगी। अरे वेरी फ्रॉम द प्रिडिक्शन, जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उससे एक्चुअल आउटकम वेरी कर सकता है, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अब इधर देखो, ये कहता है कि ऑडिटर के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। सर ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, भले ही चाहो तो यहां पे लिख लो ऑडिटर क्या है, ये मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। तो पहला पॉइंट तो आपने ये ध्यान में रखना है। अच्छा बताओ उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके मन में चोर है। सर चोर है मतलब फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल, अंग्रेजी में कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। तो पकड़ लो। अरे कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। जल्दी से बताओ क्या तीनों पॉइंट्स की इंटरलिंकिंग दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो जो लीगल पावर्स हैं सर्च वाली वो हमारे पास नहीं आती। फटाफट बताओ क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट दिमाग में बैठे? जल्दी से देखो और मुझे बताओ। रिकॉल द पॉइंट्स एंड टाइप इन द चैट बॉक्स DDD डन डना डन डन। आरटीपी नवंबर 21 नवंबर 22 यही सवाल आईसीआई ने पूछा था। स्वाहा। शाबाश, जल्दी से करेंगे अच्छे से। क्लियर है ये बात? अब सर एक और सवाल। अब एक बात बताओ अगला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है पहली मजबूरी किनकी थी? सर उनकी मजबूरी। दूसरी मजबूरी किसकी है? हमारी एज एन ऑडिटर। अब सर एक बात बताओ, एक बच्चे ने पूछा सर इसका क्या मतलब है? एलेज्ड रॉन्ग डूइंग का मतलब बताओ। एलेज्ड रॉन्ग डूइंग मतलब उन पे इल्जाम लगा है, उन पे किसी ने केस किया है। तो अगर कल को कोई केस करता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या ऑडिट किसी के ऊपर केस होता है तब होता है क्या? क्या ऑडिट किसी के ऊपर केस होता है तब होता है क्या? द आंसर इज नो। ऑडिट तो वैसे ही चेक करने के लिए होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं कि नहीं। सो ऑडिट इज नेवर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलेज्ड रॉन्ग डूइंग। किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, गलती पकड़ के बताओ। नहीं, ऑडिट किया जा रहा है अपनी मर्जी से। ऑडिट किया जा रहा है क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको ऑडिट कराना है। आपने सेक्शन 139 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये जो ऑडिट है क्या ये इन्वेस्टिगेशन है? नहीं,
ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इन टू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग. अलेज्ड मतलब किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि यहां पे दिक्कत है तो आपको ऑडिट करना है. तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है. अब सर एक बात बताओ, पहला पॉइंट क्या था, उनकी मजबूरी यानी कहीं ना कहीं जो उनके डिसीजन है वो सब्जेक्टिव होते हैं. सब्जेक्टिव मतलब उसमें एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो हमको नहीं पता एक्चुअल आउटकम क्या होगा और प्रिडिक्टेड से वो मैच करेगा या नहीं. जजमेंट बाय द मैनेजमेंट. दूसरा आ गई नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. तीसरा क्या है, तीसरा कहता है हालात की मजबूरी. तीसरा कहता है सर्कमस्टेंसेस की मजबूरी. यानी आपने दो पॉइंट याद रखने हैं, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट. सर ये क्या कहता है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को उठाते हैं, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट. मुझे एक बात बताओ, आईसीएआई की पास परसेंटेज कम है, मैं ज्यादा बोलने वाला था, आईसीएआई की पास परसेंटेज कम है तो क्या हम मेहनत करना छोड़ देंगे? आंसर इज नो. क्या हम चीजों को समय देना छोड़ देंगे? आंसर इज नो. तो अगर आईसीएआई के एग्जाम को निकालने के लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, कई बार थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, तो क्या मैं ये बोलूं क्योंकि ये तीनों चीजें लगती है तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ. आईसीएआई के एग्जाम बड़े टफ हैं तो मैं पढ़ता नहीं हूं, इनको पढ़ने के लिए काफी टाइम लगता है तो मैं पढ़ता नहीं हूं, कई जगह कोचिंग की फीस काफी ज्यादा है तो मैं पढ़ता नहीं हूं. तो मुझे बताओ क्या डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट वैलिड बहाना है ना पढ़ने का? जल्दी से बताओ. द आंसर इज नो, पढ़ना तो पड़ेगा. तो ये कहता है कि कल को अगर ऑडिटर बोले कि भाई बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, सर इसको अपन प्यार से बोलते हैं डीटीसी, अगर उसको लगता है डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज इन्वॉल्व, सो दिस इज नॉट अ वैलिड बेसिस. ये कोई वैलिड बहाना नहीं है फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसको आप ओमिट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप ही से रिलेट करता हूं. मान लो आज ऑडिट सिर्फ और सिर्फ, मान लो शुभम सर पढ़ा रहे थे, ठीक है सर, अब शुभम सर ने ऑडिट की फीस कितनी कर दी? मैंने कहा 10 लाख रुपए. ओ माय गॉड, शुभम सर ने ऑडिट की फीस कर दी 10 लाख रुपए. अब और कोई टीचर है ही नहीं, ऑडिट आपसे सेल्फ भी नहीं हो रहा, तो अब मुझे एक बात बताओ क्या करोगे सर? दो ही चीजें कर सकते हो क्या? या तो आप क्लास ले लोगे या फिर आप सीए छोड़ दोगे. क्या दोनों में कोई और ऑप्शन है? क्या दोनों में कोई और ऑप्शन है? आंसर इज नो. इसी तरह अगर मैं ऑडिटर की बात करूं, अगर एक ही एविडेंस अवेलेबल है, और उस एविडेंस को पकड़ने के लिए, उस एविडेंस को लेने के लिए उसको डिफिकल्टी लग रही है, टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, तो भाई साहब उसको लेना पड़ेगा, उसको ये एविडेंस लेना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ही हैज टू कलेक्ट दिस ऑडिट एविडेंस, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू इट. सर मान लो एविडेंस नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा? अगर एविडेंस नहीं मिला तो फिर इस केस में ही विल डिसाइड द इंपैक्ट ऑन हिज ओपिनियन. फिर इस केस में ये अपने ओपिनियन पे इसका इंपैक्ट डिसाइड करेगा. ये अभी हम क्लास में 10 मिनट्स के बाद पढ़ने वाले हैं. एक बात बस आपने ये समझ के चलनी है. क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर कोई एविडेंस का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो वही एविडेंस आपने लेना पड़ेगा. और अगर एविडेंस नहीं मिलता देन यू नीड टू डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द ओपिनियन. फिर आपने वो ओपिनियन देखना पड़ेगा. समझ आई बात? क्लियर है? अब ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आएगा ये 10 मिनट के बाद मैं आपको समझा दूं. ठीक है सर. सो डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. क्लियर है सर? अब अगला पॉइंट, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. There is a balance that needs to be struck between the reliability and its cost. ये लाइन क्या कहती है? इधर देखो. अब देखो मैं तुमको समझाता हूं.
ये लाइन सिंपल सी बात कहती है, आपने घर में कभी पनीर मंगाया है? हाँ सर पनीर मंगाया है। पनीर कैसा दिखता है? जब पहले दिन पनीर आता है तो बड़ा सफेद सफेद होता है, दूसरे दिन वो हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है, तीसरे दिन और हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है, चौथे दिन वो आम जैसा येलो हो जाता है, फिर पांचवें दिन वो थोड़ा और अपना कलर बदलता है, और सातवें आठवें दिन तक सफेद पनीर काला पनीर हो जाता है। क्या ऐसा होता है पनीर में? आंसर इज यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे समय बीतता है पनीर अपनी वैल्यू लूज कर रहा है? हाँ सर पनीर अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी एंटिटी की बात करूं, मान लो जो हमारी एंटिटी है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेसेस होते हैं, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने इसके लिए इसके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है सर? ये जो प्रोसेसेस है ना ये मुझे चेक करने पड़ते हैं एज अ ऑडिटर। अब एक बात बताओ, मैं ऑडिट करने के पूरे साल यहां पे बैठा हूं? नहीं सर। अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 इसके मुझे प्रोसेसेस चेक करने हैं, तो मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, मैं मार्च में आऊंगा, मैं मार्च के प्रोसेसेस चेक कर लूंगा, बट मुझे तो प्रोसेसेस पूरे साल के देखने हैं, तो मुझे इनसे अगस्त के भी डॉक्यूमेंट लेने पड़ सकते हैं, जुलाई के भी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। एक बात बताओ दिल पे हाथ रख के, कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होगा? कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होगा, मार्च वाला जो मैं खुद अपने सामने देख के ले रहा हूं, या फिर अगस्त और जुलाई वाले? फटाफट बताओ विच डॉक्यूमेंट विल बी मोर रिलायबल इन दिस केस, मार्च वाला या अगस्त और जुलाई वाले? मैंने ऐसी रैंडमली कोई 3 महीने उठा लिए ये चेक करने के लिए कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेसेस सही है कि नहीं। सबने बोला मार्च। ऐसा क्यों? तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल होली है जो तुमने मार्च चुना? सर अगस्त वाले डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी हो सकती है, जुलाई वाले डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी हो सकती है, हमको क्या पता एक्चुअल में उस टाइम पे सब कुछ ठीक था कि नहीं। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो रेलिवेंस और वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन की वैल्यू गिरती है, वैसे वैसे उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू गिरती है। क्या तुम भी मेरे सामने वो कहना चाहते हो? हाँ सर हम यही कहना चाहते हैं, यही बात आईसीआई ने लिख रखी है, यही बात आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 में लिखी है। देखो क्या कहता है, ये कहता है रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ना पूरे साल बैठ के, अपनी बिग बॉस वाली आंख लेके पूरे साल इनके प्रोसेसेस को देखते रहो। मैंने कहा वेरी गुड, मैं पूरे साल इनकी प्रोसेसेस को देखते रहता हूं, बट एक बात बताओ क्या इससे मेरी ऑडिट की जो कॉस्ट है वो बढ़ नहीं जाएगी? हाँ सर ऑडिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे बैलेंस मेंटेन करके चलना है, आपको यहां पे बैलेंस मेंटेन करना है। सर बैलेंस किसके चीज में? बेनिफिट ऑफ ऑडिट एंड द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन ऑडिट, इन दोनों चीजों के बीच में आप कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके चलोगे। इतनी सी बात बस आपने ध्यान रखनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है पूरा का पूरा? आई बात समझ? यस सर। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेकिंग प्रोसेसेस टेस्टेड फॉर मार्च मोर रिलायबल देन रेस्ट ऑफ द मंथ्स। आई बात समझ सर? अब आई होप यहां तक तीनों पॉइंट क्लियर हैं। अब आता है सर फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द सब्सिक्यूट वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट। कहता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जहां पे ऑडिटर की जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यहां पे मिसस्टेटमेंट्स पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। बताओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना मुश्किल कब होगा? सर जब फ्रॉड होगा।
फ्रॉड पकड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है. मैं बताऊं फ्रॉड में भी कौन सा वाला फ्रॉड, जब एक बंदा फ्रॉड करेगा या ढेर सारे बंदे मिलकर फ्रॉड करेंगे? सर जब ढेर सारे बंदे मिलकर फ्रॉड करेंगे, जब ढेर सारे बंदे मिलकर फ्रॉड करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं कॉल्यूजन. उसको क्या कहते हैं? कॉल्यूजन. कॉल्यूजन का क्या मतलब है? एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच बंदे, सबने मिलकर सोची समझी चाल लगाई, सबने मिलकर फ्रॉड किया. दूसरा, इंप्लॉई का फ्रॉड तो सीनियर मैनेजमेंट पकड़ लेगी, बट अगर सीनियर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो कौन पकड़ेगा? तो दूसरा फ्रॉड जिसको पकड़ना बड़ा टफ है उसको अपन कहते हैं फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट. क्या फ्रॉड वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. फ्रॉड में कौन सा फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है? सर एक तो कॉल्यूजन, एक आपका सीनियर मैनेजमेंट वाला. ये फ्रॉड वाले बात हम चैप्टर नंबर 5 में वापस डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 5 में मैं वापस आपको इसके पास लेके आऊंगा. अभी के लिए बस इतना याद रखो, फ्रॉड वाले एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना मुश्किल है. ठीक है सर. दूसरा, क्या आपने AS 18 पढ़ा है? रिलेटेड पार्टी, फटाफट बताओ, हैव यू स्टडीड AS 18? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स करके बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या आप AS 18 पढ़ के आए हो? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? जितनी भी आपकी रिलेटेड पार्टीज है उनको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है सर. उन रिलेटेड पार्टी के साथ आपकी जो भी रिलेशनशिप्स है उसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. साथ ही साथ जो भी आपने उनके साथ ट्रांजेक्शन करी है उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब तक मैनेजमेंट मुझे नहीं बताएगी रिलेटेड पार्टी कौन है तो मुझे क्या सपना आएगा? नहीं सर. तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए और कोई रिलेटेड पार्टी रह जाए. तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी रह गई तो भाई साहब ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी रिलेटेड पार्टी रह गई या उसकी कौन सी ट्रांजेक्शन रह गई. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन. हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करनी रह जाए. ठीक है सर. उसके बाद इसकी हम बात करेंगे ऐसे 550 में. ठीक है सर. अगला पॉइंट, अक्रेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी बचपन से लेके कितने लॉ पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पता नहीं कौन सा वाला पढ़ लिया. उसी के साथ जब तुमने ग्रुप वन दिया, ग्रुप वन की प्रिपरेशन करी, कंपनीज एक्ट पढ़ा, कंपनीज एक्ट के साथ भी पता नहीं 3-4 अतरंगी और एक्ट पढ़े. इतने एक्ट्स तुम पढ़ते हो, तुमको क्या लगता है इतने ही एक्ट्स होते हैं? नहीं सर, बड़े सारे एक्ट्स होते हैं. तो जब बड़े सारे एक्ट्स होते हैं तो ऑडिटर कितने एक्ट्स का ख्याल रखेगा? सर ऑडिटर को एक्ट्स का ख्याल क्यों रखना है? एक बात बताओ, मैं किसी एक्ट से नॉन कंप्लायंस करता हूं तो कंपनी पे क्या लगेगी? हाँ, LLP एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, बड़े सारे एक्ट पढ़े. अगर मैं किसी एक्ट से नॉन कंप्लायंस करूंगा तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगी? जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द कंपनी लायबल टू पे अगर उसको मैं नॉन कंप्लाई करती है वो किसी चीज से? वेरी गुड, विनीत ने सबसे पहले बताया सर पेनल्टी. अगर पेनल्टी है तो मुझे एज अ ऑडिटर फर्क क्यों पड़ता है? अगर पेनल्टी है तो मुझे एज अ ऑडिटर फर्क क्यों पड़ता है? सर क्योंकि जब भी पेनल्टी लगेगी तो उस पेनल्टी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उस पेनल्टी को अकाउंट करके चलना पड़ेगा. और अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया, अकाउंट फॉर नहीं करी, तो देयर इज अ चांसेस कि अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया, अकाउंट फॉर नहीं करी, तो आपसे एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए, आपसे एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए. तो मैंने कहा ये पॉइंट भी तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा. तो एज अ ऑडिटर मुझे एक बात बताओ, कंपनी के ऊपर तो हजारों लॉज लगते हैं, अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ लॉज लगते हैं मैं कितनों की कंप्लायंस चेक करूंगा? मान लो फैक्ट्री में, मान लो इनकी फैक्ट्री में कोई 10 ईयर्स का लड़का काम कर रहा था. ठीक है, अगर 10 ईयर्स का लड़का काम कर रहा है, मुझे कैसे ऑफिस में पता चलेगा कि फैक्ट्री में 10 साल का लड़का काम कर रहा है? और अगर 10 साल का लड़का काम करेगा तो क्या हो गया सर? चाइल्ड लेबर एक्ट में पकड़े जाएंगे. अगर ये चाइल्ड लेबर एक्ट में पकड़े गए तो अगेन इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी.
अगर पेनल्टी लगेगी तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, और मुझे इतने सारे एक्ट्स के बारे में पता ही नहीं हो सकता, तो ये भी ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये भी ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशन है, ही कैन नॉट बी श्योर अबाउट द नॉन कंप्लायंस विद एवरी लॉज एंड रेगुलेशन। तो हो सकता है कोई नॉन कंप्लायंस हो और ऑडिटर को पता ना चले। अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करूं तो वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, हो सकता है कोई नॉन कंप्लायंस हो और ऑडिटर को पता ना चले, क्योंकि अब ऑडिटर को पता नहीं है तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई। इतनी सी बात को आपने समझना है। क्या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन समझ आया, यस और नो? फटाफट बताओ। पूरा कच्चा चिट्ठा सब खोल दिया आपके सामने, अब जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? क्लियर है? डन डना डन डन। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं इसका ऐसे भी लिख देता हूं, ऐसे 250। दिस ऐसे 250 आपका फाइनल लेवल पे ज्यादा रेलिवेंट रहता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एक बार बताओ, एज अ ऑडिटर क्या मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं? द आंसर इज नो। मुझे क्या पता कल को चल के इनकी फैक्ट्री में आग लग जाए और इनका गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए। सो देयर कैन बी फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन विच कैन कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न भी एक ऐसा एरिया जहां पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे 570 में हम इसकी डिस्कशन करेंगे, ऐसे 570 में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एज अ ऑडिटर मुझे आज नहीं पता कल को क्या होने वाला है। तो कल को देयर कैन बी सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन विच कैन कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। हो सकता है कल को जाके एंटिटी बंद हो जाए। तो इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर गलत बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बैंड बज गई। तो ये भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे से छूट सकती है। तो चार पॉइंट क्या हो गए सर? चार पॉइंट हो गए ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से छूटी। दूसरा क्या था सर? रिलेटेड पार्टी की कोई रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने से रह गई। तीसरा था नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं चला और मैनेजमेंट ने उसका प्रोविजन भी नहीं बनाया पेनल्टी का। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर? लास्ट पॉइंट है गोइंग कंसर्न। अब सारे बच्चे मुझे बोलो, क्या आप ये चारों पॉइंट्स याद करना चाहोगे? फटाफट बताओ, क्या आप ये चारों पॉइंट्स याद करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो मैं आपको इसका फ्लो बताऊंगा। बताओ, क्या इसका फ्लो जानना चाहोगे? फटाफट बताओ। यस सर। अब समझो इसका फ्लो। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन योर बुक नोट्स। अदर मैटर्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का सब टॉपिक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसा लिख दो, दीज आर द एरियाज वेयर द चांसेस ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज हायर। चांसेस ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज हायर। सबसे पहला एरिया है फ्रॉड। सर फ्रॉड किसके साथ? फ्रॉड ऐसा जिसमें सबसे पहले तो सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड है, दूसरा फ्रॉड लोगों ने मिलके किया, दैट इज इट इन्वॉल्व्स कोल्यूजन, ये वाला फ्रॉड हो गया। अब एक बात बताओ, क्या फ्रॉड ये अकेले अकेले करेंगे? द आंसर इज नो, फ्रॉड अकेले अकेले नहीं करेंगे। तो फ्रॉड किसके साथ किया? मैंने कहा फ्रॉड इन्होंने किया मिलके विद द रिलेटेड पार्टीज। ये फ्रॉड इन्होंने अकेले अकेले नहीं किया, सेकंड पॉइंट में इन्होंने किया इसको विद द रिलेटेड पार्टीज। तो आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। जब मैं रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करूंगा, क्या ये कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन? सर दिस इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है बेसिकली यू आर नॉट कंप्लाइंग, नॉट कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। आप लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हो। जब भी लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करोगे
तो इतनी भारी पेनल्टी लगेगी, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी, कितनी भारी पेनल्टी कि आपका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा, कि आपका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। यही पॉइंट्स आपने बेसिकली इसमें ध्यान रखने हैं, यही पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी से, यही चार बातें आप ध्यान में रख के चलेंगे। फ्रॉड किसके साथ? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ। टेक टू मिनट्स, नोट इट डाउन एंड लर्न इट राइट अवे राइट नाउ। एक बात बताऊं मैं आपको, ये सारी चीजें समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो अपन इंटरलिंकिंग करते हैं ना, इससे आपके दिमाग में चीज बैठ जाती है, इससे आपको समझ आता है कि हाँ पहला पॉइंट है फ्रॉड, फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है। फिर आप सोचोगे सेकंड पॉइंट क्या था, क्योंकि सर ने तो बड़ी सारी बातें समझाई थी, तो फिर आपका दिमाग दौड़ेगा सर क्या फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ का क्या मतलब है, रिलेटेड पार्टी, तो सेकंड पॉइंट रिलेटेड पार्टी आया। अब मैंने रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड किया तो इसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट था नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब मैंने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं किया, तो फिर आपका दिमाग कहेगा इतनी पेनल्टी लगेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाए गोइंग कंसर्न है या नहीं। सो लास्ट पॉइंट क्या आ गया सर, गोइंग कंसर्न। यही आपने अपने दिमाग की ना कॉमन सेंस याद रखनी है। अब मैं एक बात बताता हूं, ये जो चीज है ना, ये दो तरीके के बच्चों को समझ आएगी सर। क्या? एक तरीके के बच्चों को जिनका थोड़ा दिमाग में कॉमन सेंस जाती है ना आसानी से, उनको लगेगा यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, उनको आसानी से समझ आएगी। दूसरे तरीके के जो बच्चे हैं ना, जिनको कॉमन सेंस नहीं है, जिनको दिक्कतें आती हैं, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रेस्प इट। तो अगर आप इसको ग्रेस्प कर पा रहे हो, बी थैंकफुल टू गॉड। आपके ऑडिट मतलब की चीजें, बिकॉज ऑडिट इज ऑल अबाउट दिस, ऑडिट इज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, ऑडिट इज अबाउट द कॉमन सेंस, इट इज अबाउट द जुगाड़। जितना आपका माइंड जुगाड़ू है, जितना आपका माइंड दौड़ सकता है, उतना ज्यादा आपको ऑडिट अपने आप समझ आएगा। जैसे ही पहला पॉइंट समझ आया, दूसरा पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, डन। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब चार में से चार नंबर ना मिले तो मुझे बताना, ये गेम है सारी की सारी। आई बात समझ? डन सर। तो यहां आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। अब सर एक सवाल है, सवाल क्या है? राजीव एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ आरडीएक्स लिमिटेड। राजीव ने किसका ऑडिट किया सर? आरडीएक्स का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट दे वर फाउंड दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड व्हिच वर नॉट नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। कह रहे कई सारी ऐसी मिसस्टेटमेंट्स मिली जो ऑडिटर ने नोटिस नहीं करी और उसके बारे में कुछ कर नहीं पाया। मैनेजमेंट एलेजेस, मैनेजमेंट कहती है This is a failure on the part of auditor comment. MTP October 20 का सवाल है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर हो सकता है कुछ material misstatement रह जाए। क्यों? Because of inherent limitations of auditing. So कहता है because of inherent limitation of auditing, there is always a unavoidable risk. एक ऐसी risk है जिसको आप avoid करके नहीं चल सकते। सर क्या risk है? That some material misstatements may not be detected, even though ऑडिट इज planned एंड performed एज पर द standards ऑन ऑडिटिंग। अगर आपको कोई subsequent डिस्कवरी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं, इट doesn't इंडिकेट कि ऑडिट standards ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे सर? पहला पॉइंट आप याद रखेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग की वजह से देर इज अनअवॉइडेबल रिस्क। बोलो मेरे साथ, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग की वजह से देर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो आपने जो ऑडिट प्लान किया, परफॉर्म किया, वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया। तो जो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो कह रही है ना सब्सिक्वेंट डिस्कवरी हुई है मटीरियल मिसस्टेटमेंट की, इसका मतलब ये नहीं ऑडिट ऐसे इसके हिसाब से नहीं हुआ। तो पहले दोनों पॉइंट में आप क्या करोगे? पहले दोनों पॉइंट में आप ऑडिटर की साइड लोगे। क्या हुए? पहले दोनों पॉइंट में आप
ऑडिटर की साइड लोगे, उसके बाद आप ऑडिटर के अगेंस्ट जाओगे। सर ऑडिटर के अगेंस्ट जाओगे यानी ये बोलोगे ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशंस बिना जस्टिफिकेशन नहीं है। सर किसकी जस्टिफिकेशन नहीं है? टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। कि आप परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ना लो ये हम नहीं कह रहे। जैसे मैंने आपको बोला ICI की पास परसेंटेज कम है तो क्या इसका मतलब हम पढ़ाई बंद कर दे? द आंसर इज नो। तो अगर इनहेरेंट लिमिटेशन है इसका मतलब ये नहीं कि आप परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ना लो। सर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब है? दिस इज अ सिनोनिम ऑफ सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एज अ जस्टिफिकेशन लो टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना ही लेना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, पहले हम ऑडिटर को सपोर्ट करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क। किसको लेके? हो सकता है सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट वॉज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसेस। जिसका मतलब है अगर कल को कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑडिट एसेस के हिसाब से नहीं हुआ, तो ऑडिटर की हमने साइड ली। फिर हम बोलेंगे आईला इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या ये तीनों पॉइंट्स बैठे? जल्दी से बताओ हाँ या ना। दीज आर द थ्री लॉजिकल पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फटाफट बताओ। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा ऑडिट एसेस के हिसाब से हुआ? Whether the auditor has performed the audit in accordance with SAS, तो कहता है अगर ये तीन चीजें SAS के हिसाब से हुई हैं तो audit SAS के हिसाब से हुआ है। Audit procedure performed, audit evidence obtained, and suitability of the audit report on the evaluation of that evidence। क्या ये तीनों पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं? जल्दी से बताओ। क्या इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको एक डायग्राम दिया था? ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्ट। फटाफट बताओ क्या इन तीनों पॉइंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर चुके? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। हाँ, हर्ष गुप्ता ने बोला ऑडिटर को अपना बेस्ट देना है भले ही फ्रॉड निकले या ना निकले। अगर उसने अपना ऑडिट एसेस के हिसाब से किया तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई चूचा नहीं कर सकता। यस सर, प्रोसेस में डिस्कस किए थे। तो मैं बोलूं अगर आपने वो पूरा प्रोसेस एज पर एसेस किया है तो आप सेफ हो। ठीक है, तो यही पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलना है। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक टॉपिक और करोगे या फिर जो अभी तक किया है एक बार उसको रिवाइज करें? एक छोटा टॉपिक और कराऊं? हाँ सर कराओ, एक छोटा टॉपिक और करते हैं, मजा आ जाएगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईला का फुल फॉर्म है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये कैसे पता उसने बेस्ट दिया है? अगर उसने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया तो उसने अपना बेस्ट दिया है, ऑब्वियस सी बात है। एक टॉपिक और फिर अपन रिवाइज करते हैं। मैंने कल आपको बताया था ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसमें ना ICI एक कॉन्सेप्ट लाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको सारा का सारा रिवीजन करा देता हूं, ठीक है? कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ये एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? सर वही जो कल हमने पढ़ी थी, कोई प्रोफेशनल, हर प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसी के बारे में आपने याद रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जब मैं बोलता हूं आपने इन एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, क्या मैं बोल सकता हूं आप इंडिपेंडेंट हो? आंसर इज येस। तो ये कहता है इट कंप्राइजेस बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस। FTV अक्टूबर 20 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मतलब है? आप अपने दिमाग से, आप अपनी सोच से इंडिपेंडेंट है।
आपका डिसीजन, आपका डिसीजन है, आप किसी के भी इंफ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करते। कह रहे स्टेट ऑफ माइंड, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी सोच है, इट परमिट्स प्रोविजन ऑफ ओपिनियन, यानी आप अपने माइंड से जो ओपिनियन बनाओगे ये किसी की भी इंफ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूं आप ऑब्जेक्टिव, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, आप किसी के भी बहकावे में नहीं आ रहे, जो आपका माइंड है वो खुद ओपिनियन बना रहे विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर्स। अलाउइंग द इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या मैं बोल दूं, यहां पे भी वही पॉइंट आ गया, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मतलब है सर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, माइंड से माइंड, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड वेयर योर डिसीजंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस, ताकि आप क्या कर सको, यू कैन एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्लियर है? क्या अब ये सारे कीवर्ड्स के साथ आप थोड़े और फेमिलियर होते जा रहे हो? हाँ सर। दूसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस। मैंने कहा माइंड से ही नहीं, दूसरों को भी ऐसा ही लगना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो। यानी अवॉइड करो ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस विच आर सो सिग्निफिकेंट कि थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे को रीजनेबली कंक्लूड हो दैट ऑडिटर्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो आपकी हरकतों से किसी और पार्टी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसको अपन कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो दिखना भी इंडिपेंडेंट है, दिमाग से भी इंडिपेंडेंट होना है। दिमाग से इंडिपेंडेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दिखने से इंडिपेंडेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। सर इससे क्या होगा, जो भी ऑडिटर है ही विल हैव द एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या मैंने कुछ नया पढ़ाया या जो पहले पढ़ा रखा था उसको बस मैंने आपको फिट करवाया। फील आ गई? पढ़ाओ, फटाफट बताओ, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, बी एंड अपियर टू बी इंडिपेंडेंट, उसका मतलब मैंने आपको अब बताया है। ऑडिटर शैल बी एंड अपियर टू बी इंडिपेंडेंट। बी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आप किसी के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होते एंड यू आर एबल टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मतलब थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। मैं आपको अब रिवाइज करा देता हूं जो भी अभी तक हमने किया है, जो भी अभी तक हमने किया है, फटाफट आओ एक बार रिवाइज करें। पर क्या आज की क्लास हमने कैसे स्टार्ट करी सर? आज की क्लास हमने स्टार्ट करी एसए 200 के साथ। एसए 200 सर, एसए 200 क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसके साथ कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट करी। जब मैंने बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो आपने कहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब है रीजनेबल अश्योरेंस लेना। किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब सुनते जाओ, तुमको मजा आते जाएगा। जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो आप अपना ओपिनियन देंगे। सर क्या कान को अब ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके हिसाब से बने हैं? दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपने ओपिनियन बना दिया तो रिपोर्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अभी चुपचाप बस सुनते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ मेरी बातों, सब कुछ लिखा मत करो। अब सवाल आता है कि रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ली? हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? हमने एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ली? इसी के साथ हमने ब्रेक के बाद स्टार्ट किया था। सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहले हमने सीखी उनकी मजबूरी, यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसकी जजमेंट इन्वॉल्व्ड है, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, हम प्रिसाइजली नहीं कह सकते ये सही है या नहीं। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या कहते हैं सर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं हम मजबूर हैं, यानी मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्यों नहीं देगी, बिकॉज ऑफ फ्रॉड, उसके मन में चोर है, एंड फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, जो फ्रॉड है वो सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फ्रॉड पकड़ लो, मैंने कहा नहीं पकड़ सकते, बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, जो हमारा ऑडिट है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फिर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था सर क्या, कहीं ना कहीं हमको देखनी है टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, इन दोनों चीजों में बैलेंस रख के चलना है। इसमें मैंने आपको दो तीन अच्छी अच्छी लाइनें बताई थी सर क्या, पहली लाइन बताई थी डीटीसी, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट, इट इज नॉट अ वैलिड बेसिस, ये वैलिड बेसिस नहीं है टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो वो तो हमको लेना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन tends to diminish over a period of time, जैसे जैसे समय बीतता है value of information diminish होती चली जाती है, ठीक है। Fourth point में अपने discuss किए थे other matters, sir other matters तो बड़े simple थे, चार ऐसे matters जहां पे inherent limitations of auditing का impact सबसे ज्यादा है, कौन से matter, fraud, fraud किसके साथ, related party, जब fraud करोगे तो ये क्या होगा, non-compliance with लॉज एंड रेगुलेशन, तो इसको अपन प्यार से बोलते हैं नो क्लार, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर, अगर नॉन कंप्लायंस करोगे तो पेनल्टी लगेगी, एंड अगर भारी पेनल्टी लग गई तो गोइंग कंसर्न भी खतरे में आ जाएगा, गोइंग कंसर्न भी खतरे में आ जाएगा, ये बात अपन ने डिस्कस की थी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी, हाँ सर। इसी के साथ साथ हमने एक बात बोली, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है, तो क्या इसका मतलब मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ना करूं, नहीं, आपने अपना ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना है। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज डन एज पर एसएस, तो इफ लेटर ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डिटेक्टेड दैट डज नॉट मीन ऑडिट इज नॉट डन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड थर्ड पॉइंट अपन क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू सेटल for less than persuasive audit evidence. Sir, audit SAS के हिसाब से हुआ, इसका क्या मतलब है? तीनों चीजें SAS के हिसाब से हुई है, procedure performed, evidence collected and conclusion reached. ये तीनों की तीनों चीजें SAS के हिसाब से ही हमने करी हैं। बाकी ब्रेक के बाद मैंने आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, फिर हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का क्या मतलब था, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का सिंपल सी बात मतलब है योर स्टेट ऑफ माइंड इज सच दैट कि जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, जो आपके डिसीजन है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस, सो दैट यू कैन एक्ट विद आईओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर आप बोलोगे इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, मतलब थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगना चाहिए कि आपकी आईओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप इंडिपेंडेंट है, यानी आपके अंदर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। अब और कुछ मत पढ़ाना, अब और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आओ तुमको एक मस्त बात बताऊं, एक बच्चा कहता है गवर्नमेंट को क्या फायदा ऑडिट कराने का जब ऑडिट के बाद भी फ्रॉड निकलता है। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने घर पे ताला क्यों लगाते हो जब तुमको पता है ताला तोड़ के चोर अंदर घुस सकता है, फटाफट बताओ। तुम अपने घर पे ताला क्यों लगाते हो जब तुमको पता है ताला तोड़ के घर पे चोर घुस सकता है, घर खुला छोड़ दो, बोलो चोरों को आओ आओ चीजें उठाओ, आओ आओ चीजें उठाओ। नलायक नंबर वन सोच है ये, किसी चीज में कुछ गैप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि उसको ऐसे छोड़ दें,
तो ऑडिट में एटलीस्ट चांसेस तो है ना कि कोई गड़बड़ होगी तो पकड़ा जाएगा, बट अगर किसी ने बहुत ही सोच समझ के फ्रॉड कर रखा है, यू कांट डू मच अबाउट इट। तो यही पॉइंट आपने समझनी है, यही पॉइंट आपने समझना है। ऑडिट से कम मैनेजमेंट के मन में डर रहेगा, उसके मन में खौफ रहेगा कि कल को अगर ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा। क्या आपने 143 सबसेक्शन 12 पढ़ा है कंपनी ऑडिट में? कंपनी ऑडिट में सेक्शन 143(12) कहता है कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड मिले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो हमेशा मैनेजमेंट के मन में एक डर रहेगा। सर रीजनेबल अश्योरेंस रह गया, वो हमने ब्रेक से पहले किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था, रीजनेबल अश्योरेंस मीन्स अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर ऐसा करो, हमको थोड़े क्वेश्चंस दो, आज हम क्वेश्चंस करके आना चाहते हैं, क्या तुम क्वेश्चंस करके आओगे? हाँ सर हम क्वेश्चंस करके आएंगे, फटाफट आओ। तुम कहो मैं ना मानू, ऐसा हो नहीं सकता, थोड़े से क्वेश्चंस दे रहा हूं घर पे करने के लिए, चुपचाप करके आना। ठीक है सर, डन, आप कहते हो तो हम पक्का क्वेश्चंस करके आएंगे। जल्दी से आओ, क्वेश्चंस मार्क करें फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपने लिखना है कि आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड एक बार रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाती है तो आप अपना ओपिनियन बनाएंगे एंड रिपोर्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये आपका आरटीपी मई 22 का है, और मई 22 आई थिंक एग्जाम्स वगैरह में भी ये पूछा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कर लो, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन अपन आगे पढ़ेंगे तो वो मैं तुमको तब कराऊंगा, अभी पहले ये 3 पार्ट वाला करके आना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 तुमको ऑलरेडी आता है। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट आर सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन सच अजर्शंस और मैटर। बताओ कौन से ऐसे 4 एरियाज है जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है? फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। अगर फ्रॉड करेंगे सो इट इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी दैट इट विल अफेक्ट योर गोइंग कंसर्न। तो ये पॉइंट आपने इसमें ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सर हम कर लेंगे। और बताओ, और बोलो सर, और कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप अच्छे से कवर करके आना। ठीक है, ये होमवर्क में मैंने आपको दिया है, डू इट प्रॉपरली, तोड़ तोड़ के करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द मास्टर क्वेश्चन, इट इज द मास्टर क्वेश्चन। मैं कहता हूं पूरा क्वेश्चन पढ़ो ही मत, लास्ट लाइन, एक्सप्लेन क्लियरली द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स कंटेन्ड इन कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स में जो भी थ्रेट्स हैं, ये थ्रेट्स वगैरह आपने याद रखने हैं, इन्हीं को आपने प्रैक्टिस करके आना है। तो थ्रेट्स में क्या है? साफी, इन्हीं के एग्जाम्पल्स इन्होंने यहां पे दे रखे हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन 10 भी होमवर्क में। और बताओ, क्वेश्चन 12 भी करोगे? सर और क्वेश्चन दो, बच्चे कह रहे और क्वेश्चन दो, ये लो क्वेश्चन 12 भी तुम्हारा होमवर्क, आरटीपी मई 19 जैन 21। क्या कह रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे? कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं करा, तो तुम भी बस इतना ध्यान रखना, मोर देन इनफ। और बताओ सर, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको अभी करवाया है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है एंड सेफगार्ड अवेलेबल है। तो ये सेफगार्ड वाले पॉइंट आपने इसमें ध्यान में रखने हैं। हाँ, इतना कम होमवर्क कौन देता है? अभी दे रहा हूं, थोड़ा और दे रहा हूं, रुको रुको रुको। क्वेश्चन नंबर 13 आप होमवर्क में ले लिया, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आप आराम से कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लोगे। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन काफी हैं, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन काफी हैं। नहीं सर, क्वेश्चन 18 भी दो, ये लो क्वेश्चन 18 भी गया। बस कितने क्वेश्चन करोगे तुम? क्वेश्चन 18 काफी है? हाँ सर, 21 भी दो। चलो बस आई थिंक इतना काफी है, आई थिंक इतना काफी है, क्वेश्चन 21 तक लास्ट मैंने आपको दिया है, बस ये आपने करना है। हाँ, किसको कम लग रहा है? पता नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे कम है तो मैंने दे दिए। ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपने प्रैक्टिस करके आने। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने? ध्यान से समझना, पहले तो नोट्स को रिवाइज करो, जो नोट्स में आपको पोर्शन कराया उसको रिवाइज करो,
उसके बाद इन क्वेश्चंस को ना स्क्रिबल करो कि क्वेश्चन देखो और याद करो कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहे हैं, उनको आप रजिस्टर पे स्क्रिबल करो और आंसर से कंपेयर करो क्या आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज मेक श्योर जो चीजें आज अपने क्लास में पढ़ी उनको आप अच्छे से रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे अहेड, हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते enjoy.